डेली में कोनो कोनो डे होता है, फिर कोनो डे है, प्रॉमिस डे। हम क्या बात है, क्या बात है, हम भी प्रॉमिस कर देते हैं, सबको प्रॉमिस करते हैं, जब तक क्लास में पढ़ाते रहेंगे इसका प्रयोग हमेशा करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप प्यार से पढ़िए, हम आपको हंसा के खिला के नाच गा के जैसे पढ़ाना है पढ़ा देंगे, लेकिन याद रखिएगा जितने दिल से पढ़ाते हैं ना उतने दिल से पीटते हैं, इतना सुकून मिलता है, मारते हैं तो सटाक से लगता है आहा बहुत मजा आया, बहुत मजा आता है। टैटू बना कल क्या मिला भैया, जेवर नहीं समझते, गाना होना, गाना चूड़ी भी तो एक तरह का जेवर ही आ जाता है वहाँ, चूड़ी के पास देखिए चूड़ी ऐसे पूरा पहना जाता है, चूड़ी के आगे बॉर्डर लगाने के लिए कंगन लगा दिया जाता है, तो एगो इधर कंगन एगो इधर कंगन, ताकि वो क्या रहे बॉर्डर लाइन उसका रहे, अंदर ही फड़फड़ाए वो बिहार के लाला। कैसे पता चलता है का हम चांद पे से आए हैं क्या? क्या बात है, क्या बात है। हम भी तो ये पृथ्वी के प्राणी हैं, शादी ब्याह में आप नहीं गए हैं क्या कभी? शादी ब्याह में लड़का को देखिएगा आराम से नाश्ता पानी कर रहा है कहीं, और लड़की से पूरा झमका के एगो दुकान जी पहन ले रही उठा के चले। बिहार के लाला ऐसा साथ में, अरे वो पूरा लुंगी टाइप का एगो पहन, वो में सितारा मोती जोड़ लेगी सब। हम लग ना देखे इतना भारी रहता है, चलन ना जाता, लगता है बुलेट प्रूफ है। क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई जितना है उतने पहनो ना, जितना आदमी उठा सकता है। हमको देखिए, हमको हर चीज भारी लगता है, हम ना जेब में पैसा लेके जल्दी चलते हैं, रुमाल तक नहीं रखते हैं कि हमको भारी लगता है, मोबाइल जेब में रख लेते ना ऐसे हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और सब बुमार दुनिया भर का युद्ध स्तर लेके चलते रहे, हाँ कोनो देख लेगा तो कहेगा देख रहे हमको देख रहा है, अरे तो पहने कौन चीका बिहार के लाला चिकाती है। तो जितने भी सुधार हुए हैं ज्यादातर में देखेंगे वो बड़े लोग किए हैं, इवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा, कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश राजा, महावीर स्वामी राजा, गौतम बुद्ध राजा, अशोक राजा, देन फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर, पहले कामयाब होइए उसके बाद लोगों को नसीहत दीजिएगा। लेकिन अभी उल्टा होता है, अपने खैनी बना रहा है, यूपीएससी निकल जाए तो वार नहीं यूपीएससी निकल जाए। दुख का आना भी जरूरी है, इसलिए भगवान बार बार दुख देते रहता है कि तुम याद कर हम हैं, देखते हैं बिहार के लाला। जहाँ एग्जाम में गड़बड़ा गया कुछ, भगवान 2 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे हम। बिहार के लाला 2 किलो पेड़ा मतलब 700 रुपया, उतना थाना का दरोगा नहीं मानता है, भगवान को उसे नीचे गिरा दिया। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा बहुत खचड़ा है, इसको क्या चाहिए, आराम चाहिए, इसे आराम नहीं दीजिए। मतलब कैसे आत्मा को आराम नहीं दीजिए, आपको ठंडा लग रहा है रजाई ओढ़ ली है, आत्मा को आराम मिल गया, हाँ रजाई है, गर्मी लग रहा है एसी चला लीजिए। महावीर स्वामी ने कहा कि सब काम हटाइए, उघारे रहिए, ठंडी में ठंडी बर्दाश्त कीजिए, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त कीजिए, आत्मा को इतना ना सता के कूच काच के रद्द कर दीजिए कि आत्मा जब शरीर से निकले ना तो त्राहिमाम हो जाएगी ना, दूसरे शरीर में ना जाने वाले। अगर हम अपनी आत्मा को आराम देंगे, उसको मन कर रहा रसगुल्ला खाने का तो रसगुल्ला खिलाएंगे, जो मन कर रहा है वो खिलाएंगे, चाट मोमो फोचका दुका दुका वो सब खिलाएंगे, तो आत्मा क्या हो जाएगा, इसका मन बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार अगर कोई पीसीएस का एग्जाम या कोई भी एक बार एग्जाम निकल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति। अब हमको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा फॉर्म का, चालान नहीं कटवाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड खो जाएगा बहुआ एग्जाम के पहले कहाँ रख दिलो रे। इसमें ब्रह्मचर्य को काफी ज्यादा कठोरता से फॉलो कर दिया गया, जिस वजह से युवाओं का इसके प्रति से मन भाग गया। इसमें सीधे कहा गया कि लाल पीला हरा मत कीजिए, सबसे बड़ी बाधा वही है, लड़का कह रहा है बाढ़ में जो लोग मोक्ष प्राप्तियां।
हाथ में था वो कहाँ रह गया, मगध में ही रह गया।